Today I'm going to tell you a cyber security tools. There are several cyber security tools. First is how to generate the password. So just see the site where we can generate the password in free. Here it is given the lowercase digit, upper letter, basic symbol, more symbol, skip similar looking characters, all unique characters. आपको अपने पासवर्ड में जो करेक्टर रखना उस पर अगर आप क्लिक कर दीजिएगा, मान लीजिए हम सब पे क्लिक कर देते हैं, तो वो करेक्टर ले लेगा. फिर वो पासवर्ड की लेंथ पूछ रहा है, नंबर ऑफ पासवर्ड पूछ रहा है. यहाँ पे आप जितने पासवर्ड चाहिए उतने क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए हमने 5 दे दिया. जनरेट पासवर्ड करिएगा तो देखिए 32 करेक्टर्स का 5 पासवर्ड उसने दे दिया. अभी मान लीजिए हमें 10 करेक्टर का चाहिए तो यहाँ पर 10 दे दीजिए. वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके लिए जनरेट कर देगा. आप 8 दीजिएगा तो 8 दीजिएगा तो 8 करेक्टर का पासवर्ड जनरेट कर देगा. इस तरह से हम ऑनलाइन इस साइट पे iplocation.io पासवर्ड जनरेटर में पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं. और ये बहुत ही एक अच्छा टूल है जिसमें हम रोज पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं होगी. और इसमें ये भी बताया व्हाट इज यूज ऑफ पासवर्ड, व्हाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, व्हेन चेंजिंग द पासवर्ड इज एसेंशियल, how can online strong random password generator tool help you, क्या पासवर्ड में नहीं रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए. और इसके अलावा 4 पेड वर्जन पासवर्ड जनरेटर है जिसमें लास्ट पास, बिट गार्डन, कीपर और डैश लेन है. और ये चेक पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी करता है. इसके अलावा हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रैंडम पासवर्ड बाई यूजिंग ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल. रैंडम जनरेटर टूल के थ्रू भी आप कर सकते हैं जो अभी हम लोग ने किया है. तो इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड के बारे में सारा कुछ है. आप इस साइट पे जाइए और उसको लर्न कीजिए. अब दूसरा साइबर सिक्योरिटी टूल है जो हम लोगों को पढ़ना है वो MD5 जनरेटर है. अब MD5 जनरेटर क्या होता है, ये हैश टूल होता है. जब आप इसको करिएगा तो हमने देखे किया है, कोई भी एक पासवर्ड आप अपने मन का बना लीजिए, चाहे वो जो भी हो. यहाँ पर मान लीजिए नंबर दे दिया, यहाँ पर P बड़ा कर दिया, और कुछ भी पासवर्ड आप दे दीजिए और उसको जनरेट करिए. अब जब आप जनरेट करिएगा तो 3 तरह के हैश जनरेटर बन जाएंगे. पहला है MD5, दूसरा है Bash64, तीसरा है SHA-1. तो ये आपका पासवर्ड देखिए, इसका हैश जनरेटर बन गया. और ये जो आपके प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हैश टेक्निक है, ये एनक्रिप्शन कर देता है आपके पासवर्ड का. एनक्रिप्शन ऑफ एनी टेक्स्ट स्ट्रिंग और पासवर्ड, जस्ट एंटर अ स्ट्रिंग एंड क्रिएट अ Bash64, MD5 और SHA-1. एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंटली. तो आपके इस पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके हैश फॉर्म में दे देगा. अब उसके क्या फीचर है, रिक्वायर्ड रूल क्या है, ये सब वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिए. SHA-1 हैश क्या होता है, MD5 हैश क्या होता है, कौन कब कहाँ यूज होता है, Bash64 encoder क्या होता है, how to use Bash64 encoding MD5 and SHA-1 generator tool. अब इसको use कैसे करते हैं सब कुछ यहाँ बताया है, तो आप cyber security के लिए इसको use कर सकते हैं. तीसरा है किसी भी website का HTTP response header पता करना. अब हमारे पास तो कोई website है नहीं, तो चलिए हम लोग YouTube का ही check करते हैं. इसको जब जांचेंगे तो ये आपको HTTP, ये देखिए HTTP 2302 दे देगा. ये आवेदन बाइनरी है, हिंदी में आ गया है, कोई बात नहीं. मंगल 16 नवंबर कब स्टार्ट हुआ है, समय सीमा समाप्त कब है,
और ये सारा कुछ ये दे रहा है, कौन सपोर्ट करता है, किस जगह का है, कंटेंट की लंबाई क्या है, ये सारे कुछ। कैश नियंत्रण क्या है, अनुमातीय नीति क्या है, सूचित करना क्या है, ये सारा कुछ दे रहा है। सर्वर क्या है, ESF नाम से सर्वर है। ऑल्ट SVC क्या है, HTTP, ये पूरा आपको इसका डिटेल दे रहा है। तो यहाँ पर जाकर इस उपकरण के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब चौथा है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या है, जब आप YouTube की साइट का हॉस्ट का URL देते हैं, क्विक नाउ करते हैं, तो अबाउट दिस टूल वो देता है, यहाँ पे वो बताएगा, देखिए MD5 शेयर और SSL सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट की कोड दे देगा। इसका सर्टिफिकेट नेम कहाँ से आया है, google.com से। व्हाट इज अ SSL, व्हाई डू वी नीड SSL सर्टिफिकेट, ये सब कुछ यहाँ दिया है, आप जाकर इसको पढ़िए। व्हाट इज अ SSL सर्टिफिकेट थंबप्रिंट, हाउ SSL सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट कैलकुलेटेड। अब SSL क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो आपको सिक्योर करती है ऑनलाइन सर्वर पर। हाउ टू फाइंड SSL सर्टिफिकेट थंबप्रिंट, अब थंबप्रिंट कैसे इससे फाइंड आउट करें, ये पूरा प्रोसेस बता रहा है। उस पर जा करके आप SSL सर्टिफिकेट के थ्रू थंबप्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू गेट SSL सर्टिफिकेट थंबप्रिंट बाय यूजिंग SSL सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट फाइंडर टूल। तो यहाँ देखिए ये टूल दिया है, यहाँ पे जाइएगा तो आपको वो मिलेगा। तो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी के चार, ये देखिए यहाँ दिए हुए साइबर सिक्योरिटी के चार टूल हैं, पासवर्ड जनरेटर, MD5 जनरेटर, HTTP सर्वर हेडर चेकर और SSL सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट। इस तरह से एक एक करके ये सारे टूल्स अगर आप कहिएगा तो हम बता देंगे। देखिए इसमें ये भी दे रहा है SEO टूल। SEO टूल में आपका एलेक्सा जो है आपका ट्रैफिक चेक करेगा, डोमेन एज चेकर होगा, रोबोट टेक्स्ट जनरेटर होगा, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ये बहुत ही अच्छी साइट है, इस पे जाकर के आप देखिए, यहाँ पे ईमेल टूल भी दिया हुआ है, ईमेल वैलिड है कि नहीं है, ईमेल हेडर एनालिसिस करेगा, IP बैकलिस्ट चेकर है, ईमेल के बारे में बता रहा है, DNS के बारे में बता रहा है, डेवलपर टूल के बारे में बता रहा है। तो बहुत ही अच्छी साइट है, इस पे जाइए और उसको पढ़िए। आपका IP एड्रेस चेक कर देगा, आपका सबनेट चेक कर देगा, पिंग क्या होता है चेक कर देगा, रिवर्स IP लुकअप कर देगा। तो बहुत ही अच्छी साइट है, इस पे जा करके आप पढ़िए, iplocation.io SSL सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT Informer, thank you.